आज मैं आपको गाजर, मूली और मिर्ची का अचार डालना सिखाऊंगी। इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची ली है, 2 मीडियम साइज की गाजर लिया, उसके अंदर का जो पार्ट था वाइट वो मैंने निकाल दिया, और 1 मैंने बड़ी मूली ली है, और मैंने इनको तीनों को काट के 1 घंटे के लिए धूप में रख दिया। उसके बाद मैंने जो मसाले लिए हैं, मैंने 1 चम्मच आमचूर लिया है, और उसके बाद मैंने 1.5 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच मसाला जो होता है धनिया का, धनिया साबुत धनिया है वो लिया है, 1 चम्मच मैंने राई ली है, 1 चम्मच मैंने सरसों ली है, और 0.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, और 0.5 चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1 चम्मच मैंने अजवाइन ली है, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है। इन सबको मैंने धूप में सुखा लिया था, धूप लगवा ली थी 1 घंटे के लिए। अब हम सब चीजों को एक साथ पीस लेंगे। अब मैंने ये सारा मसाला इसमें डाल दिया है। अब इसको मैंने एक दो बार इसको चलाऊंगी। इसको मैंने 3 बार चलाया और हमारा मसाला जो है रेडी हो गया। ज्यादा नहीं पीसना, थोड़ा मोटा मोटा ही रखेंगे। ये हमारा मसाला भी रेडी हो गया है। हमने एक पैन ले लिया है और मैंने गैस जो है ऑन कर दिया। अब इसके अंदर मैंने 3-4 चम्मच या 1 छोटी कटोरी मैंने सरसों के तेल की डालूंगी, और इसके अंदर मैंने 1 लहसुन की कली डालूंगी। जब ये ब्राउन हो जाएगी तो समझो कि हमारा जो तेल है वो पक चुका है, हमारा जो ऑयल है वो रेडी हो गया है, हमारा जो लहसुन है वो भी ब्राउन हो गया है, और थोड़ा सा धुआं भी आने लग गया है कि इसका मतलब ये है कि हमारा ऑयल जो रेडी हो गया है। अब हम इसको लहसुन के पीस को निकाल देंगे और गैस स्लो कर देंगे। अब हम इस गैस मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। अब इसको गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसके अंदर मूली, गाजर और मिर्ची डालूंगी, जो इसके अंदर मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। गैस मैंने बंद कर दिया क्योंकि तेल बहुत ज्यादा गर्म था। अब इसको मैं थोड़ी देर चलाऊंगी। गैस मेरी बंद है क्योंकि मेरे को ये जल जाती है। अब मैं गैस ऑन करूंगी और गैस को स्लो कर दूंगी। मैंने सारा मसाला जो था डाल दिया है। गैस मेरी बिल्कुल स्लो है, जितना मैंने मसाला बनाया था सारा मैं इसके अंदर डाल दिया है, और स्लो पर मैंने 1 मिनट और चलाऊंगी कि जो मसाला है अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। चाट मसाला मैंने इस करके डाला है कि इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा। मूली डाली है ना, इस करके इसका टेस्ट थोड़ा चाट मसाले से अच्छा आएगा। अब मैंने इसको 1 मिनट स्लो पर पकाऊंगी। 1 मिनट हो गया है और मैं गैस इसकी बंद कर दूंगी। गैस मैंने बंद कर दिया है, इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब थोड़ा ठंडा हो गया है तब मैं इसे एक बॉल में डालूंगी। जब बॉल के अंदर भी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, आप ये किसी भी जार में इसको बंद करके रख सकते हैं। आप इसको 1 महीना पूरा चला सकते हैं। अगर ऑयल थोड़ा सा और डालना है किसी ने वो और भी डाल सकते हैं, मैंने कम डाला है, और आप अपने टेस्ट के अनुसार डालना। आपको जैसी मिर्ची चाहिए, जैसा मसाला चाहिए, अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हो। जी अब हमारा अचार रेडी हो गया है। जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा आप किसी जार में डालकर इसको रख सकते हैं। 1 महीने के लिए ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। मेरा जो अचार था वो ठंडा हो गया है। अब मैंने इसको अचार को इस जार में डाल दिया है। आप इसको किसी भी जार में डाल सकते हो।